दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। ये कोई काल्पनिक या फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि आंखों का देखा सच है। दरअसल आज से एक साल पहले जब मैं कंपनी की तरफ से पिकनिक पर गया था, तब ये घटना मेरे साथ घटी थी। पिकनिक शहर के बाहर एक रिजॉर्ट में था। पहले कंपनी के लोगों ने क्रिकेट और बाकी खेल खेले, उसके बाद रिजॉर्ट में ही बने वाटर पार्क में चले गए। वहां सिर्फ कुछ लोगों को ही तैरना आता था, वो सब 10 फीट गहरे पानी में तैर रहे थे। हम दोस्तों ने एक शर्त लगाई कि पानी में एक सिक्का फेंका जाएगा और हम में से जो सबसे कम समय में सिक्का ढूंढकर लाएगा वही जीत जाएगा। सबने बारी बारी गोता लगाया मगर किसी को सिक्का नहीं मिला। अगली बारी मेरी थी, मैं भी कूद गया, लेकिन पानी में जाते ही वहां का नजारा बिल्कुल बदल गया। मैंने देखा कि जमीन 10 फीट नहीं बल्कि 20 से 25 फीट गहरी थी और नीचे एक कब्रिस्तान भी दिखाई दे रहा है। वहां पर मैंने एक औरत को खड़ा हुआ देखा जो चेहरे और कपड़ों से विदेशी लग रही थी। कब्रिस्तान और उस लड़की को देखकर पहले तो मैं काफी डर गया, लेकिन मुझे लगा कि शायद हमारी तरह वहां आए बाकी लोग भी आपस में कोई खेल खेल रहे होंगे। खैर, मुझे तो बस सिक्का ही ढूंढ कर लाना था। उसके हाथ में वही सिक्का था। वह अपना हाथ ऊपर की ओर करके खड़ी थी। ऐसा लगा कि वो मुझे ही सिक्का देने के लिए खड़ी है। मैं जैसे उसके सम्मोहन में आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ ही सेकंड में मैं उसके करीब था और उसके हाथ से सिक्का ले लिया। जैसे ही मैं वापस जाने लगा, उसने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया। एक ही पल में उसके चेहरे ने एक भयानक रूप ले लिया। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और उसके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान थी। मैं डर के मारे कांप उठा और झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। हाथ छुड़ाते ही कब्रिस्तान और महिलाएं दोनों गायब हो गए। ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी सपने से जागा हूं। मैं फटाफट पानी से बाहर आया और दूर जाकर बैठ गया। मेरी सांसें फूल रही थीं और मैं खांस रहा था। हर कोई मुझसे पूछने लगा कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ। मैंने बस सिर हिलाते हुए ना में जवाब दिया। मैंने मुट्ठी खोलकर देखा तो वो सिक्का मेरे हाथ में ही था। यह देखकर मेरे दोस्त खुशी से नाच उठे और मुझे बधाई देने लगे। मेरे दोस्तों ने फिर से शर्त लगाई मगर इस बार मैं पानी में नहीं गया। शाम का समय था, हमारी बस जाने वाली थी। हम लोग सिगरेट पीने बाहर चले गए। मेरे दोस्त आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। सामने खड़ा एक आदमी हमारी बातें गौर से सुन रहा था। मैं चुपचाप खड़ा था। मेरे एक दोस्त ने मुझसे मजाक में पूछा कि मैं तब से चुप क्यों हूं, क्या अंदर कोई भूत देख लिया। ये सुनकर उस आदमी ने मजाकिया लिहाज में कहा कि अंग्रेजों के जमाने में यहाँ पे कब्रिस्तान हुआ करता था, जरूर वो कब्रिस्तान और किसी गोरे का भूत देख लिया होगा। ये सुनकर मेरे दोस्त हंसने लगे, मगर मुझे यकीन हो गया था कि जो मैंने देखा वो मेरा वहम नहीं बल्कि एकदम सच था। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।